आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। गाइस, हमें जो नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसमें से एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो एंगल्स है वो एंगल्स को निकालना है। मगर गाइस, ये एंगल को निकालने से पहले हम लोग पहले जो इंटीरियर एक एंगल है वो एंगल को पहले निकालेंगे। यहाँ पर जो एक एंगल है जिसका वैल्यू क्वेश्चन ने नहीं दिया है, मैं रेड में जो ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका वैल्यू क्वेश्चन नहीं दिया है, इसको हम लोग पहले निकालेंगे। इसको निकालने के बाद ही हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स देखेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड ये जो क्लोज्ड पॉलीगन है उसके बाहर ही है, इसलिए मैं इसको बोलूंगा एक्सटीरियर एंगल्स। पहले हम लोग एक इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट ही नहीं है। तो पहले मैं इसका वर्टिसेस जो है उसको एक एक नाम दे देता हूं, ए बी सी और डी। गाइस, मैं ये वर्टिसेस को ए बी सी डी बोल के नाम दे दिया। और चलिए इसका जो एंगल्स है ये एंगल को भी एक एक नाम दे देंगे। ये जो एंगल्स है ये एंगल को भी हम लोग एक एक नाम दे देंगे। जो इंटीरियर एंगल्स है मैं इसको ए वन बोल के दे देता हूँ, जो एक्सटीरियर एंगल है उसको मैं ए टू बोल के दे देता हूँ। सिमिलरली ये बी वर्टिसेस का जो इंटीरियर है वो मेरे लिए हम लोगों के लिए बी वन हो जाएगा, जो एक्सटीरियर में हम लोग इसको बी टू बोल के दे देंगे। ठीक वैसे ही सी वन सी टू डी वन डी टू। गाइस, हमें जो डाटा है हम लोगों के सामने अभी एक जगह लिख लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग लिख लेंगे ए वन। ए वन हमें क्या दिया है क्वेश्चन ने, 60 डिग्री दिया है। और ए टू, एंगल ए टू क्या दिया है, जेड दिया है। एंगल बी वन क्या दिया है, एंगल बी वन कुछ भी नहीं दिया है, हम लोगों को ये निकालना है अभी। पहले एंगल बी टू है डब्ल्यू, फिर एंगल सी वन, एंगल सी वन क्या है 120 डिग्री है। एंगल सी टू, एंगल सी टू क्या है एक्स है, इसको भी हमें निकालना है। और एंगल डी वन क्या है 80 डिग्री है। और एंगल डी टू, डी टू क्या है, एंगल डी टू क्या है वाई है। तो हमें एक्स वाई, एक्स हमें जेड, एक्स वाई और डब्ल्यू, ये चारों का वैल्यूज निकालने के लिए क्वेश्चन हमें पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें पूछा है ये चारों का वैल्यू निकालने के लिए। मगर उसको निकालने से पहले हम लोग ये एंगल बी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ये एंगल बी का वैल्यू एक बार हम लोग निकाल देंगे, फिर हम लोग ये चारों का वैल्यूज भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइस देखिए, हमें पता है, हमें क्या पता है, एक स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि जो एंगल बी वन और बी टू ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। एंगल ए वन ए टू, ये डायग्राम अगर आप लोग देखेंगे, एंगल ए वन ए टू, एंगल बी वन बी टू और एंगल सी वन सी टू डी वन डी टू, ये हर एक एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही है। जो भी फिगर को अगर आप लोग घुमा के भी देखेंगे उसको हर एक एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो ये हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है। आप सबको पता रहेगा एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूंगा तो उसका एंगल 180 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। और मैं अगर उसमें से एक एंगल निकाल दूंगा, ऐसे एक एंगल ड्रॉ करूंगा, तो ये एंगल का वैल्यू अगर मुझे 30 डिग्री पता चले, ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, 30 डिग्री पता चले, तो ये जो रेस्ट ऑफ द एंगल जो रहा, ये जो एंगल जो रहा ये कितना होगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि कुल मिला के एक स्ट्रेट लाइन का एंगल है 180 डिग्री, इसका वैल्यू है 180 डिग्री। अगर हमें 180 डिग्री से एक भी एंगल पता चल गया तो हम लोग दूसरा एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ऊपर वाला प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। मगर उसको सॉल्व करने से पहले मैं जैसे कि बोला हूं, हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। जो इंटीरियर एंगल है उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इंटीरियर जो एंगल है वो है बी वन, वो बी वन का वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे। उसको निकालने से पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग ऐसा करेंगे। आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स
ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ए पॉलीगन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर चुके हैं। तो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन हम लोग एक फॉर्मूला यूज करके उसको निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यही है हम लोगों का फॉर्मूला। वेर वेर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स किसका साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगन। तो इसको ध्यान में रखते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई करके पहले हम लोग टोटल एंगल सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन निकाल लेते हैं। ये जो पॉलीगन हम लोग का बन रहा है ए बी सी डी, ये पॉलीगन का हम लोग सम टोटल ऑफ द एंगल्स पहले निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम लोग एंगल बी वन को निकाल सके। तो इसका साइड्स कितना है, देखिये 1, 2, 3, 4 साइड्स है। तो गाइज यहाँ पर एन का वैल्यू हम लोग को 4 मिल रहा है, 4 है तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ये जो पॉलीगन है क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसको एन इज इक्वल टू 4 डाल के सम ऑफ द एंगल्स पहले निकाल देंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स इज क्या रहेगा, सम ऑफ द एंगल्स एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री, और ऊपर हमें मिल रहा है एन इज इक्वल टू 4 मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द गिवन पॉलीगन क्या मिल रहा है, सम ऑफ द एंगल्स, सो ऊपर जो सम ऑफ द एंगल्स हम लोग देखे हैं उसका एंगल्स हमें मिल रहा है 360 डिग्री। और गाइस ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और वो जो सम ऑफ द एंगल्स हमें मिल रहा है, सम ऑफ द एंगल्स बोले तो उसका इंटीरियर एंगल्स, गाइस ये जो इंटीरियर एंगल्स है किस किस को मिला के हो रहा है, एक हो रहा है एंगल ए, एंगल ए वन प्लस एंगल बी वन प्लस एंगल सी वन प्लस एंगल डी वन, ये चारों एंगल्स को मिला के हमें मिल रहा है 360 डिग्री। ये चारों एंगल्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। गाइस इसको ध्यान में रखते हुए अभी हम लोग एंगल बी वन का वैल्यू निकाल देंगे, ये डी वन है। तो मैं हमें नीचे जो आप लोग देखेंगे, नीचे हमें मिला सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री मिला गाइस। तो सम ऑफ द एंगल्स के जगह मैं ये लिख सकता हूँ एंगल ए वन प्लस एंगल बी वन प्लस एंगल सी वन प्लस एंगल डी वन इज इक्वल टू 360 डिग्री। होप गाइस यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो जो वैल्यू हमें पता है यहाँ पे डाल देंगे। एंगल ए वन, एंगल ए वन का वैल्यू हमें क्या पता है कितना है, 60 डिग्री है। एंगल ए वन का वैल्यू हमें 60 डिग्री है। एंगल बी वन का वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। एंगल सी वन का वैल्यू हमें मिल रहा है 120 डिग्री, क्वेश्चन ने ये सब कुछ दिया है, प्लस एंगल डी वन का वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दिया है 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 60 प्लस 120 प्लस 80 क्या रहेगा, 60 प्लस 120 180 हो जाएगा, 180 प्लस 80 260 हो जाएगा। तो 260 प्लस एंगल बी वन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 260 डिग्री, और एंगल बी वन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, और एंगल बी वन इज इक्वल टू 100 डिग्री। गाइस हमें कितना मिला, एंगल बी वन इज इक्वल टू 100 डिग्री मिला। अगर भी आप लोग जाके ये चारों एंगल्स अब जो मिल गया इसको भी ऐड करेंगे तो हमें 360 डिग्री मिल जाएगा। तो ये चारों एंगल्स अगर आप लोग देखेंगे 100 डिग्री, हमें यहाँ पर बी वन का वैल्यू कितना मिल चुका है, अभी 100 डिग्री मिला है, 100 डिग्री मिला है। अगर ये चारों एंगल्स हम लोग ऐड करेंगे 60 प्लस 100 160, 160 प्लस 120 280, 280 प्लस 80 360, तो यहाँ तक हम लोग का हो गया है। अभी जैसे कि मैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए थे, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, अगर ये जो डायग्राम को अगर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे कि हम लोग डिस्कस किए थे, एक स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री से अगर हम लोग को किसी भी एक एंगल पता चल जाता है, दूसरा एंगल हम लोग उससे माइनस करके निकाल देंगे।
अगर मानो एक स्ट्रेट लाइन पे हमें 30 डिग्री पता चल रहा है, तो दूसरा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो दूसरा एंगल हमें मिल जाएगा 150 डिग्री। ठीक वैसे ही अभी हम लोग हर एक एंगल्स का वैल्यू अभी निकाल देंगे। जो फिगर में हम लोग लिए हैं ए टू बी, जो फिगर में हम लोग लिए हैं ए टू बी टू सी टू डी टू, जो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, उसको हम लोग अभी निकाल देंगे। चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग एंगल एक्स को निकालेंगे। मैं लिख लूंगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, माइनस 120 डिग्री, क्योंकि डायग्राम के हिसाब से 120 डिग्री दिया गया है। और एंगल एक्स इज इक्वल टू, एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री यहां पर मिल गया हमें। फिर वैसे ही एंगल वाई इज इक्वल टू, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और एंगल वाई कितना मिल जाएगा हमें, इज इक्वल टू 100 डिग्री मिल जाएगा। ये दोनों एंगल्स हम लोग निकाल दिए। अभी एंगल जेड के तरफ बढ़ेंगे, एंगल जेड इज इक्वल टू, एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, एंगल जेड क्या है, माइनस 60 डिग्री, और एंगल जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये भी मिल गया हमें। एंगल डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये तो हम लोग निकाले थे अभी, और एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। देखिए हम लोग चारों एंगल्स निकाल दिए। यही है हम लोगों का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछा था फाइंड एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो हम लोग चारों एंगल्स इसे निकाल दिए। तो जो जैसे मैं जिस स्टेप वाइज हम लोग निकाले, अगर किसी भी इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग पहले वो पॉलीगन का इंटीरियर एंगल्स निकालेंगे। इंटीरियर एंगल्स निकालने के बाद हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स जो क्वेश्चन पूछा है उसको निकालेंगे। होप गाइज ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत ईजी है, मगर मैं आप लोगों को समझा रहा था बल्कि थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो आप लोग इसको 5 मिनट के अंदर करके रख सकते हैं। फिर भी गाइज अगर ये क्वेश्चन के ऊपर अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, तो आप लोग मुझे ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं।